तो गाइस यहाँ से हम जा रहे हैं सोन नदी का उद्गम स्थल देखने। बहुत ही रोचक कहानी है ये जो नर्मदा मैया हैं इनके सोनभद्रा जो है उनके पति लगते हैं जो सोन नदी है और इन लोगों का शादी नहीं हुआ था। सावन का महीना चल रहा है। सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं तंत्र मंदिर है ये अमरकंटक का विश्वविख्यात तंत्र मंदिर। ये मध्य प्रदेश के खूबसूरत वादियों में बहुत अच्छी जगह है। अभी इस समय तंत्र मंदिर बंद है के अंदर अभी मूर्ति बैठाई जा रही है इसीलिए बंद है। और हम आ चुके हैं सोनमुड़ा। ये नर्मदा मैया के पति थे सोनमुड़ा जिनके नाम पे सोन नदी पड़ी है। क्या गजब की जगह है। और ये ऋषिकेश हेलमेट उतार दो यार ये तो लग रहा है कि आसमान में जा रहे हैं ना बादलों में। अमरकंटक आप आ रहे हो आने का प्लान कर रहे हो इस जगह पे जरूर आए। सोनमुड़ा नाम है। बहुत ही गजब का दृश्य है ये सामने जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये पूरा फॉग है पानी का। और ये जो ऊपर मंदिर है यहाँ से निकले हैं सोनभद्रा जी इन्हीं के नाम पर सोन नदी नाम पड़ा है। उद्गम स्थल सोन नदी का उद्गम स्थल। और यहाँ से सोनमुड़ा घूमने के बाद हम जा रहे हैं माइकी बगिया। ये इतना सुंदर दृश्य तब तक आप ये जंगल देखिए। और अब हम जा रहे हैं माइकी बगिया। माइकी बगिया वह स्थान है जहाँ पे नर्मदा मैया खेलने जाया करती थी। माई की बगिया हम आ चुके हैं। माई की बगिया आगे नहीं जाएंगे आज शॉर्टकट बनाएंगे। यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है माई की बगिया के यहाँ शॉर्टकट मारेंगे। और ये ऋषिकेश सिंह थक चुके हैं दोस्तों ये शॉर्टकट है यहाँ से जाने का। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अमरकंटक का। यहाँ पे नर्मदा मैया खेला करती थी खेलने आती थी। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं माई की बगिया में। यही है माई की बगिया। नमामि देवी नर्मदे हर हर नर्मदे ये वही जगह है जहाँ पर नर्मदा मैया अक्सर खेला करती थी। तो भव्य दृश्य है वाकई में मिनी उत्तराखंड है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल। जिम करके दिखा देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भृगु ऋषि की तपोस्थली भी है।